नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और विषय पर जाने से पहले आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम कुंडली में नवमांश वृक तालिका या कि यह D9 चार्ट बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नवमांश किसी भी राशि के नौवें हिस्से को कहते हैं। जैसे एक राशि की माप 30 अंश होती है, अगर हम उसके नौ हिस्से करें तो नौ से भाग देने पर 3.20 अंश या कहिए एक नवमांश 3.20 अंश का होगा, जिसे हम नवमांश के नाम से जानते हैं। वैसे तो जातक की कुंडली में अलग अलग भावों में राशि और ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलित कहा जाता है, जो एक साधारण विधि है, लेकिन जब किसी भाव को विस्तृत तौर पर जानने की बात आती है तो हम उसे उस भाव की राशि को अंशों के द्वारा सूक्ष्मता से उसका अलग चार्ट बनाकर जानते हैं। वैसे तो जातक की कुंडली में बहुत सारे वर्ग तालिकाएं बनती हैं जिनका अलग अलग महत्व है, लेकिन जब हम नवमांश की बात करते हैं, जिसे D9 के नाम से भी जानते हैं, तो यह है वर्ग जातक के सातवें भाव जो दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, डेली वेजेस आदि का प्रतिनिधित्व करता है, उसका विस्तृत आकलन है। वैसे तो यह चार्ट कंप्यूटर की कुंडली जब बनी होती है तो उसमें गणनाओं के अनुसार हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में यह कैसे बनेगी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उसी जानकारी को हम यहाँ बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। अब यह आपके सामने जो तालिका लगी हुई है, इस तालिका के अनुसार यहाँ पर D1, जिसे हम लगन चार्ट के नाम से या जन्म तालिका के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो ग्रह उपस्थित हैं वह जिस राशि के अंदर हैं और जिस अंशों के ऊपर हैं उनके अनुसार D9 चार्ट में उनकी उपस्थिति कहाँ होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले जो तालिका है उसके अंदर ग्रह और उनके अंशों के बारे में जानकारी है। जो दूसरी तालिका है वह नियम तालिका है, नियम तालिका जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि जन्म तालिका के अंदर जो ग्रह जिस राशि में होता है, यानी कि अगर कोई ग्रह 1, 5, 9 राशि यानी कि अग्नि तत्व राशि में है तो उस स्थिति में नवमांश के लिए हम गिनती मेष राशि से शुरू करते हैं। और पृथ्वी तत्व राशि जैसे 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व राशि के लिए हम गिनती मकर से शुरू करते हैं, और 3, 7, 11 वायु तत्व राशि के लिए गिनती हम तुला से शुरू करते हैं, 4, 8, 12 जल तत्व राशियों के लिए नवमांश में हम गिनती कर्क राशि से शुरू करते हैं। यह तीन नंबर राशि जो तालिका है यह है आपके सामने 30 डिग्री यानी कि 30 अंश की एक राशि उसके नौवें भाग की तालिका है। अब पहला भाग 0 से 3, 20 अंश तक, दूसरा भाग 3, 20 से 6, 40 अंश तक, तीसरा भाग 6, 40 से 10 तक, चौथा भाग 10 से 13, 20, पाँचवा 13, 20 से 16, 40, छठा 16, 40 से 20, सातवां 20 से 23, 20, आठवां 23, 20 से 26, 40 और नौवां नवमांश हुआ 26, 40 से 30 अंश तक, यानी कि एक राशि के नौ हिस्से हैं और जन्म तालिका में जो ग्रह जिस अंश में होगा वो अंश यहाँ कौन से भाग में आ रहा है उसी के अनुसार गणना चलेगी। अब देखिए सर, प्रथम जन्म तालिका में लगन है सिंह, सिंह लगन 19.56 अंश के ऊपर उपस्थित है, तो अब हम नियम के अनुसार देखते हैं सिंह लगन यानी कि अग्नि तत्व राशि, और अग्नि तत्व राशि में गिनती शुरू होती है मेष से। अब जो सिंह राशि है 19.56 जो अंश हैं वह आप नंबर 3 तालिका में देखिए यह किस अंश या किस नवमांश के भाग में आ रहे हैं। 19.56 हमारा आया तीन, पहला नवमांश है 3, 20, दूसरा 3, 20 से 6, 40, तीसरा 6, 40 से 10, चौथा 10 से 13, 20, पांचवा है 13, 20 से 16, 40 और छठा नवमान से 16, 40 से 20, यानी कि जो हमारे लगन तालिका में 19.56 अंश हैं वह हमारे छठे नंबर में यानी कि छठे नवमांश के अंदर आते हैं। तो अब हमें अपने नियम के अनुसार अग्नि तत्व राशि में जो मेष से गिनती करनी है
वहाँ से गिनते हुए हमें 6 नंबर तक आना है। अब सर्वप्रथम पहला जो नवमांश है वो 0 से 3:20 तक यानी कि मेष राशि, 3:20 से 6:40 तक वृष राशि, 6:40 से 10 अंश तक मिथुन राशि, 10 अंश से 13:20 तक कर्क राशि और 13:20 से 16:40 तक होगी हमारी सिंह राशि। और 16:40 जो हमारा छठा फाइनल जहाँ तक हमें जाना है वह हुआ 16:40 से लेके 20 अंश तक यानी कि कन्या राशि। अब इस तरह से हमारा जो नवमांश आया, नवमांश का लगन आया वह आया कन्या राशि यानी कि 6 नंबर। अब हम जो D9 चार्ट बना रहे हैं उसमें लगन के अंदर ही 6 नंबर लिख देंगे जो हमारा नवमांश का लगन आया। अब इसी तरह हम पूरी चार्ट के अंदर 6 से शुरू करते हुए आगे तक पूरे 12 भावों के अंदर राशियों को भर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो ग्रह है सूर्यदेव, सूर्यदेव लगन तालिका में या जन्म तालिका में D1 चार्ट में तुला राशि में उपस्थित हैं और इनके अंश हैं 21.23। तो अब 21.23 अंश देखिए नंबर 3 तालिका में, आप देखो ये कौन से भाग में आते हैं, 21.23 ये आता है 7वें भाग में यानी कि 20 अंश से लेके 23-20 अंश तक के बीच में 21.23 अंश आते हैं। अब तुला राशि यानी कि वायु तत्व राशि, वायु तत्व राशि के अंदर हम गिनती तुला से ही करते हैं। तो अब हम तुला से गिनते हुए 7वें नवमांश तक या 7वें भाग तक आएंगे यानी कि 0 से 3:20 डिग्री पहला हुआ तुला, 3:20 से 6:40 तुला के बाद आया वृश्चिक, 6:40 से 10 धनु, 10 से 13:20 आया मकर, 13:20 से 16:40 कुंभ, 16:40 से 20 मीन और 20 से 23:20 आया मेष राशि और 23 मेष राशि सातवा। तो मेष राशि के अंदर सूर्यदेव की उपस्थिति यहाँ नवमांश के अनुसार आई। अब आप D9 चार्ट में देखिए मेष राशि 8वें भाव के अंदर उपस्थित है और उसमें सूर्यदेव आए। अब आगे चलते हैं चंद्रदेव, चंद्रदेव लगन तालिका में मिथुन राशि में उपस्थित हैं और यह 12 डिग्री 2 अंश पर है। अब इसको हम नवमांश भाग में देखते हैं कि 12 डिग्री 2 अंश कहाँ पर आते हैं। तो 12 डिग्री 2 अंश आए हमारे 10 अंश से लेके 13:20 यानी कि चौथे नवमांश में हमारे ये अंश उपस्थित होते हैं। और नियम अनुसार जो 3 नंबर राशि है यानी कि वायु तत्व राशि उसमें गिनती हमें शुरू करनी है तुला राशि से। अब तुला राशि से शुरू करते हुए हमें चौथे नवमांश पर या चौथे नंबर पर आना है। 0 से 3:20 डिग्री तुला राशि, 3:20 से 6:40 वृश्चिक राशि, 6:40 से 10 धनु राशि और 10 से 13:20 जो हमारा अंशों के अनुसार गिनती है वह हुई मकर राशि। तो इस प्रकार चंद्रदेव यहाँ पर हुए मकर राशि के अंदर और D9 चार्ट के अंदर इनकी उपस्थिति पंचम भाव के अंदर है। अब इसी तरह से मंगल, मंगल यहाँ पर जन्म तालिका में सिंह राशि में हैं और 24.56 अंश के ऊपर उपस्थित हैं। अब हम इसको देखते हैं यह तालिका नंबर 3 में कौन से भाग में आते हैं। 24.56 यहाँ पर आए हमारे 8वें भाग में यानी कि 8वें नवमांश में 23.20 डिग्री से लेके 26.40 डिग्री तक। अब हमें मंगलदेव यहाँ पर उपस्थित हैं सिंह राशि में, सिंह राशि यानी कि अग्नि तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि में हम मेष से गिनती शुरू करते हैं। अब हमें मेष से गिनते हुए 8वें भाग तक यानी कि 8वें नवमांश तक आना है और देखते हैं 0 से 3:20 डिग्री मेष, 3:20 से 6:40 वृष, 6:40 से 10 मिथुन, 10 से 13:20 कर्क, 13:20 से 16:40 सिंह, 16:40 से 20 तुला, 20 से 23:20 वृश्चिक और 23:20 से 26:40 धनु राशि। अब हम मेष से शुरू कर 8 नंबर नवमांश तक गिनती करते हैं। चलिए
पहला नवमांश हुआ 0 से 3 20 डिग्री मेष, 3 20 से 6 40 वृष, 6 40 से 10 मिथुन, 10 से 13 20 कर्क, 13 20 से 16 40 सिंह, 16 40 से 20 कन्या और 20 से 23 20 तुला और 23 20 से 26 40 वृश्चिक। यानी के मंगलदेव आए वृश्चिक राशि में। तालिका अनुसार मंगलदेव D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में आए, जो चार्ट में तीसरे भाव में उपस्थित है। अब आगे लगन चार्ट में मंगलदेव के बाद आप देखिए बुधदेव। बुधदेव जो वृश्चिक राशि में जन्म तालिका के अंदर उपस्थित हैं और के अंश हैं 13.52 अंशों पर उपस्थित हैं, और यह अंश तालिका नंबर 3 में आप देखें तो 5वें नवमांश यानी कि 5 नंबर के नवमांश में आते हैं। यानी कि 13.52 13 20 से 16 40 जो नवमांश की माप है उसके बीच में 13.52 अंश आते हैं। यानी कि अब नियम के अनुसार 8 नंबर वृश्चिक राशि हुई जल तत्व की राशि, और इस राशि के लिए हम गिनती 4 नंबर या कर्क राशि से करते हैं। चलो हम कर्क से गिनते हुए तालिका 3 में 5 नंबर नवमांश तक आते हैं। पहला नवमांश 0 से 3 20 कर्क, दूसरा 3 20 से 6 40 सिंह, तीसरा 6 40 से 10 कन्या, चौथा 10 से लेके 13 20 तुला और 5 नंबर हुआ 13 20 से 16 40 जो हमारा नवमांश है यानी कि वृश्चिक। इस प्रकार बुधदेव D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में उपस्थित हुए, D9 चार्ट में यह तीसरे भाव में उपस्थित हैं। इसी प्रकार बुधदेव के बाद गुरुदेव, D9 चार्ट में गुरुदेव 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि में 24.22 अंशों के साथ उपस्थित हैं, और यह अंश तालिका में यानी कि 3 नंबर तालिका में 8वें नवमांश यानी कि 8 नंबर के नवमांश में आता है। 8वां नंबर जो है उसका नवमांश है 23.20 अंश से लेकर 26.40 अंश, और गुरुदेव के अंश हैं 24.22, जिस कारण से यह 8वें नवमांश में आए। अब नियम के अनुसार आप देखें 11 नंबर कुंभ राशि, कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और इसके अंदर हम गिनती तुला राशि से करते हैं। अब देखिए तुला राशि से गिनते हुए हमें 8 नंबर यानी कि 8वें नवमांश तक जाना है। यानी कि पहला 0 से 3 20 तुला, 3 20 से 6 40 वृश्चिक, 6 40 से 10 धनु, 10 से 13 20 मकर, 13 20 से 16 40 कुंभ, 16 40 से 20 मीन और 20 से 23 20 मेष। अब 8वां फाइनल जो हमारा जहाँ तक जाना है वह हुआ 23 20 से लेकर 26 40, जिसके अंदर हमारा है गुरुदेव के अंश आ रहे हैं। इस प्रकार गुरुदेव नवमांश कुंडली के अंदर वृष राशि में आए, और वृष राशि D9 चार्ट में नवम भाव में उपस्थित है। अब इसके बाद बारी आती है शुक्रदेव की। शुक्रदेव लगन चार्ट में 7 नंबर यानी तुला राशि में उपस्थित हैं, और उनके अंश हैं 23.34। अब आप हम इसको देखते हैं, यह है 3 नंबर तालिका में जो हमने नवमांश की के भाग बनाए हैं उसके अंदर 23.34 अंश हमारे आ रहे हैं 8वें भाग में यानी कि 8वें नवमांश में। अब तालिका जो हमारा नियम है, नियम के अनुसार तुला राशि जो वायु तत्व राशि है उसमें गिनती तुला से ही होगी। अब तुला से गिनते हुए हम 8 नंबर नवमांश तक गिनते हैं। जैसे पहला 0 से 3 20 तुला, 3 20 से 6 40 वृश्चिक, तीसरा नवमांश 6 40 से 10 धनु, चौथा नवमांश 10 से 13 20 मकर, पांचवा नवमांश 13 20 से 16 40 कुंभ और छठा नवमांश 16 40 से 20 मीन, सातवां नवमांश 20 से 23 20 मेष, और जहां तक हमें जाना है 8वां नवमांश वह हुआ हमारा 23 20 से लेकर 26 40, और हमारे शुक्रदेव के अंश हैं 23 से 23.34 जो 8वें नवमांश में आ रहे हैं। इस प्रकार 8वां नवमांश वृष राशि का हमारी गिनती में आया, क्योंकि हम इसको वायु तत्व राशि को तुला से गिनते हुए ला रहे हैं। और नवमांश कुंडली D9 चार्ट में
यह है शुक्रदेव वृष राशि में आए और वृष राशि में D9 चार्ट में नवम भाव में उपस्थित है। अब इसी प्रकार हम शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव D9 में एक नंबर यानी कि मेष राशि में 5.8 अंश के ऊपर उपस्थित हैं और यह अंश नंबर 3 तालिका में दूसरे नवमांश यानी कि 2 नंबर के नवमांश में आ रहे हैं। अब नियम के अनुसार शनिदेव जो मेष राशि में अग्नि तत्व राशि में है उसमें हम गिनती एक नंबर यानी कि मेष राशि से ही शुरू करते हैं। अब मेष से गिनते हुए हम 2 नंबर तक जाते हैं यानी कि पहला जो नवमांश है वो 0 से 3.20 डिग्री मेष राशि और दूसरा 3.20 से 6.40 वृष राशि। यहाँ पर शनिदेव वृष राशि में आए, D9 चार्ट में उनकी उपस्थिति वृष राशि में हुई, जो अगर आप कुंडली में देखोगे तो यह नवम भाव में उपस्थित है। अब आगे राहुदेव। राहुदेव लगन चार्ट में 5 नंबर यानी कि सिंह राशि में 3.25 अंश के ऊपर उपस्थित हैं और अगर हम इसको राशि के भाग के अनुसार यानी कि नवमांश के अनुसार देखेंगे तालिका नंबर 3 में तो यह डिग्री हमारी आई दूसरे नवमांश में। अब नियम के अनुसार सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है जिसमें हम एक नंबर मेष राशि से गिनती करते हैं। अब यहाँ पर मेष राशि से गिनती शुरू करते हुए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा नवमांश आता है। पहला नवमांश यानी कि 0 से 3.20 डिग्री मेष राशि, 3.20 से 6.40 दूसरा नवमांश वृष राशि। इस प्रकार D9 चार्ट में राहुदेव वृष राशि में आए और वृष राशि चार्ट के अंदर नव भाव में उपस्थित है। अब केतु हमेशा राहु के विपरीत ही होते हैं इसलिए हम इसे 8 नंबर वृश्चिक राशि में लिख देते हैं। अगर आप गणना भी करके देखना चाहो तो केतु D9 यानी कि लगन चार्ट में कुंभ राशि में 3.25 अंश पर उपस्थित है जो तालिका नंबर 3 में नवमांश में आएंगे, दूसरे नवमांश में आते हैं। नियम के अनुसार कुंभ राशि वायु तत्व राशि है जिसमें गिनती तुला राशि से होनी है। अब यहाँ पर हम तुला से गिनते हुए दूसरे नवमांश तक जाते हैं। पहला नवमांश 0 से 3.20 यानी कि तुला राशि, दूसरा नवमांश 3.20 से 6.40 यानी कि वृश्चिक राशि। इस तरह D9 में केतु देव वृश्चिक राशि में आए जो चार्ट में तीसरे भाव में उपस्थित है। दोस्तों आज हमने नवमांश कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ग्रह जन्म तालिका में D1 में जिस राशि में होता है या जन्म तालिका का जो लगन होता है और नवमांश का लगन भी वही होने पर इसे हम वर्गोत्तम के नाम से जानते हैं। D9 या नवमांश कुंडली का या वर्ग में किसी ग्रह का वर्गोत्तम राशि या वर्गोत्तम लगन में होना जातक के लिए अति शुभ होता है और उसे जीवन में अच्छा फल प्राप्त होता है। तो आज जो आपने विषय नवमांश के ऊपर जानकारी प्राप्त की आप इस विषय को एक बार दो बार कोशिश कर समझने की कोशिश करें और एक दो कुंडलियों के ऊपर आप प्रैक्टिकल करें तो यह आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और यह आपको आगे ज्योतिष में फलित करने में काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद।